जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी है गरम। तो गाइज आप अपने कबूतरों को जाड़ों में गरम पानी ही दें। ये गाइज गरम पानी है, एकदम गुनगुना पानी है भाई, अभी गीजर का पानी। हे गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो गाइज आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। गाइज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि अभी कबूतर खुलने वाले हैं गाइज। और जो कबूतर गाइज खुल जाएंगे सारे, अपने सारे कबूतर खोल लेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं क्या करना चाहिए कबूतरों को पानी देने वक्त। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा बीट बढ़ी गई है। तो गाइज खोलते हैं, अपने जो जोड़ लगाने के लिए कबूतर बंद करिए हैं वो खोलते हैं गाइज, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। तो गाइज सारे कबूतर खुल चुके हैं भाई, और भी इसमें जोड़ लगाने के लिए भाई हमने कबूतर लगाए हैं भाई, बंद करें भाई, वो भी खोल देते हैं भाई। ओ भाई तो गाइज सारे कबूतर खुल चुके हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं भाई ये वाला जोड़ लगाया है हमने, आप लोग बताइएगा कैसा जोड़ है गाइज, आपको दिखाते हैं। एकदम लाल है, सुर्ख गाइज, बहुत ही बेहतर क्वालिटी में गाइज। तो गाइज का पूरा शौक कराते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कबूतरों की केयर कैसे करनी चाहिए गाइज, क्या करना चाहिए। और जो कबूतर आपके ऊपर है, हमें लगा कोई कबूतर आ गया लेकिन कोई कबूतर नहीं है। इस जोड़ की क्वालिटी चेक करें आप, ये क्वालिटी चेक करें भाई। गाइज खोलते हैं इसको। तो गाइज ये हम खोलने जा रहे हैं भाई, कबूतर को खोल दिया है कबूतर को। और भाई जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी है गर्म। तो गाइज आप अपने कबूतरों को जाड़ों में गर्म पानी ही दें। ये गाइज गर्म पानी है, एकदम गुनगुना पानी है भाई, अभी गीज़र का पानी निकला हुआ है तुरंत। तो गाइज जैसे कि आपके सारे कबूतर ये वाला पानी पियेंगे, इनका खून का फ्लो काफ़ी बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जो लकवे की बीमारियाँ, बाकी और भी जो बीमारियाँ हैं, ज़्यादातर लकवे की बीमारी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इनका खून जाड़ों में काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया फ्लो नहीं कर पाता है, जो कबूतर अंदर ही बंद रहते हैं। तो आप लोग अपने कबूतरों को रेगुलर गर्म पानी दें, इतना ज़्यादा भी ना गर्म हो कि इनका पोट जल जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो आप अपने कबूतरों को रेगुलर गर्म पानी दें भाई, कबूतर आने लगे हैं। और भाई ये यासीन यहाँ पर हैं भाई, ये भी आ चुके हैं कबूतर देखने के लिए। आ यासीन, आओगे बेटा? ये भी कबूतर बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं भाई। तो चलते हैं कबूतरों को दाना लेकर, नीचे से आते हैं गाइस। आ चुका है सारे कबूतरों का दाना गाइस, तो आने लगे हैं सारे कबूतर भाई। कालों का जोड़ भी हमने लगाया है आज, काले कालों का जोड़ लगाया भाई। आओ 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 आओ, सारे कबूतर आ चुके हैं। सुल्तान भी खुल चुका है भाई, सुल्तान के पर बांधे हुए हैं क्योंकि सुल्तान कहीं जा ना पाए, इसलिए हमने इनके पर बांध दिए भाई। आओ 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 आओ। ओ भाई ये चेक करें, पानी तो एकदम बिल्कुल गर्म है, गुनगुना है पानी। अभी लखों को हमने गुनगुना पानी नहीं दिया, वो नीचे ही बंद है भाई। भाई कुछ कबूतर नीचे गए हुए थे, वो भी आ चुके हैं, और ये भी हैं काफ़ी ज़्यादा भूखे। आओ आओ, तो सारे कर रहे हैं यहाँ पे। और गाइज हमारी फ़ीमेल ने गाइज अंडे रख दिए, अभी दिखाते हैं चल के। शराजी वालों ने अंडे रख दिए भाई, पहलवान ने अंडे रखे हैं भाई, ये पहलवान की फ़ीमेल। गाइज दिखाते हैं आप लोगों को अंडे, जो अंडे रखे हुए हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एक अंडा रखा हुआ है भाई, और यहाँ पे भाई दो अंडे रखे हुए हैं, और यहाँ पर अभी अंडे नहीं रखे, इसके अंडे यहाँ पर कर दिए हमने शिफ्ट करें। बाकी वो वाला अंडों पे बैठा हुआ है भाई, ये भी अंडों पे बैठी हुई है, और भाई यहाँ पे भी अंडे हैं। काफ़ी बढ़िया ब्रीडिंग है भाई, जाड़ों की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है भाई। सारे कबूतर कर रहे हैं यहाँ पर फीड, आप चेक कर सकते हैं। ओ भाई अंदर ही लगे हुए हैं, तो भाई ये चेक करें। आओ आओ आओ। तो गाइज अभी एक जोड़ लखों का आया हुआ है भाई, हो सकता है कल भी एक लखों का जोड़ आ जाए आप लोगों के शौक के लिए। लखे अवेलेबल हैं भाई, शौक के लिए, ओनली शौक के लिए अवेलेबल हैं भाई। अभी लखे बिकाऊ नहीं है, बाकी गोला कबूतर भाई हमारे जितने भी हैं सारे बिकाऊ हैं, और सिराजी भी भाई बिकाऊ हैं, जरद भी बिकाऊ हैं। जिस भाई को चाहिए वो ले सकता है भाई, कॉन्टेक्ट करे 8004910093 पर कॉन्टेक्ट करे, वो कबूतर खरीद सकता है भाई। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं सारे कबूतर यहाँ पर कर रहे हैं भाई फीड, और यासीन भी हैं साथ में, नरजीत अकबर नीचे होंगे भाई, कामरान भाई भी साथ में। इनको भी काफ़ी ज़्यादा पहले शौक था लेकिन अब कम हो चुका है कबूतरों का, लेकिन अब हमें हमारा तो शौक हमेशा रहेगा गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें प्यार है कबूतरों से अपने। और सिराजी वराजी तो एक यार माह दिन पहले ही हमें जा चुकी थी, फिर हमने सिराजी की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, उसके बाद हमारे पास सिराजी हो पाए। और बाकी भाई खा चुके हैं लगभग सारे कबूतर। ओ भाई सारे कबूतर कर चुके हैं फिर, आप देख सकते हैं सारे चले गए हैं पानी पर, कुछ चले गए अपने अंडों पर गाइस। तो यहाँ पर यह वाला हाल है। बाकी अभी हमारा जैक का तो कोई जोड़ा भी बन नहीं पाया है, और बाकी
पहलवान का तो कुछ भी, चॉकलेट का तो चलो अंडे ठीक है, चॉकलेट के अंडे खा गए, लेकिन हमने चॉकलेट के नीचे सराजी के अंडे गाइस रखे हुए हैं। बाकी हमारा पहलवान जैक और जिम्मी, जिम्मी का तो अभी कोई भरोसा नहीं भाई, कालिया का तो अभी जोड़ी नहीं बन पाया भाई, देखते हैं कब क्या हो पाएगा। और बाकी जो हमारा डीजे है वो वहाँ पे जा चुका है भाई, डीजे का भी जोड़ लग चुका है, लेकिन डीजे ने अभी अंडे अंडे का कुछ प्लानिंग नहीं करी है भाई। तो बाकी सारे कबूतर है भाई जंगलाटा, यहाँ पे सारे कबूतर हो चुके हैं। आ भाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा फीट पे लगे हुए हैं भाई, चारों तरफ देखते हैं भाई कोई कबूतर हो तो भाई हम अपने कबूतर उड़ाएँ जो भी उड़ने वाले हैं, लेकिन कोई भी कबूतर आसमान में है नहीं इस समय। तो गाइस आप लोगों को जो हमने दिया है क्या बताया कि आप अपने कबूतरों को भाई रेगुलर गर्म पानी ही प्रोवाइड कराएं, जब भी पानी दें तो गर्म पानी दें, गुनगुना पानी दें भाई, इससे आपके कबूतरों में लकवा का समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी गाइस। तो गाइस अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।